हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज वीकेंड का फर्स्ट डे है, छुट्टी है, तो आज मैं घर पे कुछ ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। आज मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ क्या बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि मेरे तरीके से अगर वो बनाएंगे सब्जी तो बहुत ही लजीज बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए आपको दिखाते हैं और उसकी विधि बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। दोस्तों, आज जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ वो है भिंडी। तो भिंडी की सब्ज़ी आज मैं बताऊँगा आपको बनाने की विधि, वो भी लजीज तरीके से। तो चलिए पहले भिंडी को आप धो करके कट कर लीजिए लगभग 1 इंची के साइज़ में। इसके बाद प्याज है, देखिए प्याज हमने कैसे कट किया है। प्याज को कट कर लेना है और उसको ऐसे अलग अलग कर लेना है फांकों में, ठीक है। इसके बाद प्याज के ऐसे पेस्ट भी बना लेना है, और ये टमाटर इसका भी पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद चलते हैं प्रोसेस पे, ठीक है। पैन हमारा गर्म हो रहा है, अब उसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ। बस थोड़ा सा ही ऑयल लेना है, और ऑयल गर्म हो जाए तो पहले प्याज को इसको हाफ फ्राई करके निकाल लेना है। अब उसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं और ये प्याज को हाफ फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इसको। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, उसको पूरा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। तो प्याज को हमने हाफ फ्राई कर लिया है, अब प्याज को निकालेंगे यहाँ से। तो प्याज फ्राई करके हमने निकाल लिया है, अब थोड़ा सा तेल और डालेंगे दोबारा से। अब इसमें भिंडी फ्राई कर जाएंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें भिंडी हमने आधा किलो लिया है और ये भिंडी फ्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर भिंडी को मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये हाफ फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। हमने बहुत कम तेल लिया, हमने मिनिमम बिल्कुल जीरा डाल दिया, और हरी मिर्ची आप ले सकते हैं, हरी मिर्ची हमने लिया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जीरा हाफ फ्राई हो गया है और मिर्ची भी काफ़ी फ्राई हो चुका है, इसको जलाना नहीं है। अब इसमें हम लोग जो प्याज का पेस्ट बना के रखे थे उसको मिलाते हैं। प्याज का पेस्ट हमने मिला दिया, तो फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का हम पेस्ट मिलाएंगे। तो अब उसके बाद हमने ये टमाटर का पेस्ट मिला दिया इसमें, ठीक है। दोस्तों, अब इन सारे पेस्ट के अंदर अब हम अपने स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। मैंने तो 2 चम्मच लिया है, आप देखिए कितना ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच धनिया, और अगर आप लाल मिर्ची लेते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा ही टमाटर का यूज़ कर लिया इसलिए हमने आमचूर पाउडर नहीं डाला। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब इस मसाले को 4 मिनट तक भूनेंगे, यानी फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालते हैं। पहले टमाटर का हमने टमाटर प्योरी डाला था, टमाटर को ग्राइंड करके, अब 1 टमाटर ऐसे खड़ा डाल दिया छोटा छोटा टुकड़ा करके। अभी हमारा मसाला काफ़ी रोस्ट हो रहा है, ये देखिए, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें। तो अब हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, बढ़िया से भून गया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से, मैंने 200 ml पानी डाला है इसमें, तो आप लोग भी अपने हिसाब से पानी डालेंगे। हमें भिंडी का लटपटा वाला या लजीज सब्ज़ी बनाना था, ज़्यादा उसमें ग्रेवी नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने पानी कम डाला है। अब ये हमारा ग्रेवी रेडी है, और फाइनली इसमें जो फ्राई किया हुआ है भिंडी, वो भिंडी को हम मिला देंगे। तो फ्राई किया हुआ भिंडी हमने डाल दिया इसमें, ये देखिए, और साथ में ये जो फ्राई किया हुआ हमारा प्याज है बड़ा बड़ा, ये प्याज भी डाल देंगे। ये हमने प्याज भी इसमें डाल दिया, अब इसको मिक्स कर देंगे।
और 3-4 मिनट तक पकाएंगे बस, ओनली 3 to 4 मिनट पकाएंगे और फिर ये हमारा लजीज भिंडी की सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी भिंडी की लजीज सब्जी जो है वो रेडी हो गई है, रेडी टू सर्व है। बहुत बढ़िया लजीज बन गया है, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं है, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल दाल के साथ, आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही लजीज बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने का, और बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है, आधे घंटे में रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये भिंडी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी तरीका आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।